हरिद्वार में बहादुर बाट के शातर सा पुलिस चौकी का बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच व युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि आसपास के क्षेत्र में कुछ होटल और लॉज में कमरे उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे वह जाने अनजाने इस प्रकार के लव जिहाद जैसे आपराधिक कृत्य को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र में लव जिहाद जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि इस प्रकार के होटल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि प्रशासन इसके लिए सख्त कदम नहीं उठाता है तो वह स्वयं जानते हैं कि इस प्रकार की लव जिहाद को कैसे रोकना है और कैसे इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन पर सवालिय निशान लगाते हुए, स्थानीय प्रशासन क्या किसी बड़ी घटना के इंतजार में है या प्रशासन को किसी बड़े आंदोलन का इंतजार है? हिंदू संगठनों का कहना है कि इस तरह के होटल और लॉज अगर इन कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव में बंद कर देना चाहिए। जिसमें लंबे समय से लव जिहाद की घटनाएं चल रही थी और रूम कमरे जो है इसमें लव जिहाद में शामिल करके हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों के साथ ऐसा जो है यहाँ धंधा चल रहा था, तो अपने कार्यकर्ताओं को आज सूचना मिली है। सभी कार्यकर्ता यहाँ होटल में मौके पर पहुँचे, स्थानीय पुलिस को भी सूचना की, पुलिस भी साथ में थी। तो उसमें एक शौकीन नाम का लड़का जो है यहाँ मिला है इधर भी, तो उसके साथ एक हिंदू लड़की है जिनको वहाँ से कमरे से पकड़ के और पुलिस के द्वारा यहाँ शांतर शाह चौकी लाया गया है। अभी पुलिस ने जो है इन सब से पता कर रही है, इनके घर का पता कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यकर्ताओं की संतुष्टि की संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सब कार्यकर्ता धरना देंगे और संगठन इसमें धरना देने के लिए बाध्य है। अच्छा, आपकी जो हमारा मुख्य बिंदु ये है कि इसमें जो है जो हिंदू बहन है हमारी, उसको वो नाबालिग भी है और ये बहला फुसला के उसे लेके आते हैं, ये इनका लव जिहाद का काम है, तो इस लड़के को जेल जाना चाहिए और इसमें पोस्को एक्ट लगनी चाहिए क्योंकि लड़की नाबालिग है। स्थानीय होटल भी सील होना चाहिए, जो ये स्थानीय होटल है न्यू क्लासिक, ये भी हमारा कहना है कि सील होना चाहिए क्योंकि लंबे समय से इनमें ये सब काम चल रहा है, ये गोरखधंधा इन्होंने बना रखा है। अच्छा, जिस बाध्य है धरना देने के लिए और हम लोग फिर जो है अपने हिसाब से धरना दे के आंदोलन करके अपनी बात को मनाने का काम संगठन जानता है, किस तरह से मनता है। पहले भी संगठन ने अनेकों आंदोलन किए हैं और आगे भी आंदोलन करता रहे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।